ने की ममानियत कर दी थी मना कर दिया था उनको पेज नंबर फोर्टीन पे आ जाए आफ्टर द बैटल ऑफ कनवाहा हमायू लेड अ ग्रेट एक्सपीडिशन अगेंस्ट अफगान एंड अकम्पलस्ड हिज टास्क सक्सेसफुली एट दिस सक्सेस एब फ्रॉम मोर कन्क्वेस्ट एंड रिटर्न टू बदखशां आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर ही वॉज एंथ्रोन इन फिफ्टीन थर्टी ए डी जंग तनवाह के बाद हमाइयों ने अफगानों के खिलाफ एक मुहिम की सरबराही की थी इस मुहिम में से कामयाबी हुई इस कामयाबी से वो मज़ीद फ़तवात करने के बजाय बदशाम वापस चला गया बाबर की वफ़ात के बाद वो पंद्रह सौ तीस में तख्त नशीन हुआ उसने तख्त हासिल किया एंथ्रोन तख्त नशीन होना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इंतजामी मसाइल क्या थे हमायों हैड टू फेस द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हमों को दर्ज मसाइल फेस करना पड़े दर्ज मसाइल का सामना करना पड़ा नंबर वन ट्रयरी वाज ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड बाबर स्पेंट ऑल द वेल्थ इन फाइटिंग अगेंस्ट रेबल्स ऑन कंक्वेस्ट एंड फॉर पब्लिक वर्क्स हुकूमत का ख़ज़ाना करीबन खाली था बाबर को जो भी ख़जाना मिला था इसने बागियों के खिलाफ लड़ाइयों फतवात और तमीरत में इस्तेमाल कर लिया था नंबर टू बाबर वाज पावरफुल रूलर वेयर एज हायू वाज कंसडर्ड अ वीक रूलर विच चेंज द पोलिटिकल सीन बाबर एक ताकतवर हुक्मरान था जबकि हमायूँ एक कमज़ोर हुक्मरान समझा जाने लगा इस वजह से ये सियासी सूरत हाल में तब्दीली आई पोलिटिकल सीन सियासी मंजर में सियासी सूरत हाल में Number 3. Babar had advised Humayun to always be good to his brothers. Accordingly, Humayun divided his kingdom into four parts. Mirza Kamran was assigned the governorship of Kabul and Kandhar. Other areas were entrusted to Askari and Hindal. In this divided kingdom, when Humayun was in hot waters, none of his brothers came to rescue him. हमाइयों को इसके वालिद ने यह वसीयत की थी कि वह हमेशा अपने भाइयों से नेक सलूक करे इस पर अमल करते हुए हमाइयों ने सल्तनत को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया मिर्जा कमरान को काबल और कंधार की दी, इसी तरह अस्करी और हिंदाल को दीगर इलाके दिए दी। इस तरह सल्तनत तकसीम होगी जब हमाइयों पर मुश्किल वक्त पड़ा तो उसके भाइयों ने इसकी कोई मदद ना की बैटल विद लोधी एंड अफगान लोधियों और अफहानों के